आज के इस दौर में लोग जितना अधिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उतना ही अधिक उनके सचेत रहने की आवश्यकता है। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि तकनीक के दौर में साइबर क्राइम का चलन बढ़ने लगा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपने बैंक या एटीएम संबंधी जानकारी किसी से भी साझा ना करें ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके। सोलन जिला में अभी तक साइबर क्राइम के 7 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग इससे निपटने के लिए तैयार है और ऐसे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो लोगों की खून पसीने की कमाई को पल भर में बैंक से उड़ा लेते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने लोगों से अपने बैंक संबंधी एवं एटीएम संबंधी बहुमूल्य जानकारी किसी से साझा न करने का आग्रह किया ताकि इस तरह के मामलों से लोग बच सकें। ऑनलाइन फ्रॉड के विभिन्न तरीकों के लिए अगर कोई आपको कॉल करता है कि आपकी लॉटरी लगी है या फिर किसी बैंक से होने का दावा करके आपसे आपके एटीएम की जानकारी मांगता है तो उसे भूलकर भी संबंधित जानकारी प्रदान ना करें, क्योंकि आपकी जरा सी भूल आपके बैंक खाते से आपकी जमा पूंजी निकालने में शातिरों की मदद कर सकती है। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि तकनीक के दौर में साइबर क्राइम का चलन बढ़ने लगा है और अभी तक पुलिस के पास 7 मामले साइबर क्राइम के दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इससे निपटने के लिए तैयार है और पहले चरण में पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की फोन कॉल या फिर SMS पर अपने ATM संबंधी जानकारी साझा न करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवेंट हमारी ज़िंदगी में हुआ है, वैसे वैसे जो क्राइम हैं वो उसी तरह से उनका पैटर्न भी चेंज हुआ है और इसी कड़ी में साइबर क्राइम जो है एक इम्पॉर्टेंट आजकल फील्ड बनती जा रही है और इसमें लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं साइबर फ्रॉड की। 7 केसेस दर्ज हो चुके हैं साइबर क्राइम के तहत। टाइम टू टाइम एक एडवाइजरी जारी की जाती है और उनको बताया जाता है कि वो आप अपनी कोई भी जानकारी जो है वो शेयर ना करें किसी भी अननोन व्यक्ति से, किसी भी अननोन कॉल पे वो कोई भी अपनी गोपनीय जानकारी उसको शेयर ना करें। इसमें एक स्पेशल ATM इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है SP ऑफिस में और जिसकी मॉनिटरिंग DSP हेडक्वार्टर को दी गई है, इस पे काम चल रहा है। और इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके उनके साथ ही जल्द ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी ताकि इस इशू को और गहनता से समझा जा सके और इस पे फर्दर काम किया जा सके ताकि लोगों की जो गाड़ी कमाई है उस पे कोई नुकसान उनको ना पहुँचे। मेरी लोगों से आपके माध्यम से फिर अपील है कि आप लोग जब भी कोई ई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आप ईमेल यूज़ करते हैं, ATM यूज़ करते हैं, ई बैंकिंग यूज करते हैं, तो आप प्लीज अपनी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप जो गवर्नमेंट एजेंसी है कंसर्न्ड उसको अप्रोच करें और उनके माध्यम से उस चीज को क्लियर जरूर करें ताकि इस तरह के फ्रॉड से लोग जो हैं बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।